और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सीडी की गूंज सुनने को मिली है, जिसके बाद से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में फिर निकला सीडी का चिन्ह, गोविंद सिंह के बयान से मची खलबली। बीजेपी का गोविंद सिंह को खुला चैलेंज। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में एक बार फिर से सीडी का जिन बाहर आ गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान ने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। गोविंद सिंह ने दावा किया कि उनके पास बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं की आपत्तिजनक सीडी है। अपने इस बयान के साथ ही गोविंद सिंह ने बीजेपी को अपना चाल चरित्र और चेहरा देखने की नसीहत दे डाली। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम असली सीडियां हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। इधर गोविंद सिंह ने दावा किया तो उधर बीजेपी ने गोविंद सिंह को ओपन चैलेंज दे दिया। वीरी शर्मा ने ताल ठोकते हुए कहा कि अगर गोविंद सिंह में दम है तो सीडी जारी करें। साथ ही कहा कि सीडी के बहाने कांग्रेस जनता को गुमराह करने और झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है, अगर आपकी औकात है तो। ये झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप। विधानसभा के अंदर आप नेता के नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? ऐसे लोग जो बोलते हैं इनको जनता जवाब देती है, कांग्रेस का चरित्र है ये। गौरतलब हो कि नए साल के जश्न के मौके पर कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के हर्ष फायर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस को चौतरफा घेर रही है। इसी मसले पर गोविंद सिंह ने सुनील सराफ का बचाव करते हुए बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं की सीडी होने का दावा किया। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो सीडी के बाहर आने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन गोविंद सिंह के बयान ने प्रदेश की सियासी फिजा में जरूर गर्मी ला दी है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। सीडी विवाद को लेकर जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गोविंद सिंह पर निशाना साधा है, तो वहीं अब गोविंद सिंह ने वीडी शर्मा पर पलटवार भी किया है। नेता प्रतिपक्ष ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए कहा है कि वीडी शर्मा बड़ा पद मिलने से बौखला गए हैं, जिसे सीडी देखना है मेरे पास आए। भारतीय जनता पार्टी के जस्ट अध्यक्ष वीडी शर्मा बौखला क्यों गए? अगर नहीं है तो आप आगे उनको जो देखना है मैं दिखा सकता हूँ। आजा मेरे घर में अच्छा बौखलाए हुए है, सरकार डगमगा रही है, उनकी फोने खुल रही है। हमने इतने उसमें आरोप लगाए थे, ये कभी जवाब दिया सरकार ने भ्रष्टाचार के? बिना कुछ प्रयास के जिस आदमी को अचानक कोई पद मिल जाता है तो बोरा जाता है। बौखलाए बोरा गए पूरी तरह।